Okay. आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है, झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है, 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। इंडी गठबंधन को एक और जख्म, एक और नया कलेश। अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा कर दी है कि पंजाब की 13 सीटें और चंडीगढ़ की सीट, इस पर आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। इसका मतलब इंडी गठबंधन नहीं लड़ेगा वहां पर कोई अलायंस नहीं होगा। अब देखिए, एक तरफ तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, एक तरफ तो राम मंदिर का निर्माण, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का ये ढांचा लगातार गिरता जा रहा है। पहले बंगाल में दीदी ने कह दिया कि मैं अकेले लड़ूंगी, राहुल गांधी की पार्टी को 40 सीटें नहीं मिलने वाली। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी संजय बनाम संजय चल रहा है। हमने देखा है कि केरला में भी कांग्रेस बनाम कम्युनिस्ट चल रहा है, और अब पंजाब में भी घोषणा हो चुकी है कि हम तो अकेले लड़ेंगे। यही है इंडी गठबंधन का ढांचा। नो मिशन, नो विजन, ओनली कमीशन, ओनली करप्शन, ओनली कन्फ्यूजन, ओनली कॉन्ट्रडिक्शन। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी अजीब और गरीब है। ये न्याय यात्रा कम, ये बाय बाय यात्रा ज़्यादा बन चुकी है। वैसे उनको निकालनी चाहिए थी इंडी जोड़ो यात्रा, पर ये बाय बाय यात्रा, पहले मायावती जी से बाय बाय, फिर मिलिंद जी से बाय बाय, फिर आम आदमी पार्टी से बाय बाय, फिर ममता दीदी का बाय बाय, बिहार में भी बाय बाय, उत्तर प्रदेश में भी बाय बाय, जनता भी बाय बाय कहने वाली है। तो इसीलिए राहुल जी, आप इंडी जोड़ो यात्रा या जनता जोड़ो यात्रा निकालते, ये न्याय यात्रा कहाँ से निकालने लगे?